तालियों के साथ दे। आसपास जो मच्छर है वो भी चले जाएंगे और साथ में माता रानी को हाजिरी मिल जाएगी। माता रानी कहेंगे कि सब कबूल है और सभी अटेंडेंट है, क्योंकि देखिए किस्मत में बताता हूँ आपको, इस समय देखिए कि दो बच्चे ऊपर हो रहे हैं, दो से ज्यादा हो गए ना। इस समय जनरली लोग इतने जागरण में रहते हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि अंकल जी ने और परिवार ने हमें मौका दिया कि रोहिणी से यहाँ के जागरण करें। कितने सारे संगतों के बीच बैठे हुए हैं, तो जितने भक्त जिन पे माँ की कृपा है वहाँ तो उनको बिठा रखा है, नहीं तो घर में या तो एसी के नीचे या फिर कूलर के नीचे सुला रखा है। बोले सच्चे दरबार की क्या कहा, हो सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, और माँ का टीका लगाते हैं, कोई नजर उतारो मैया की, कोई नजर उतारो मैया क्यों मैया क्यों, मेरी माँ को नजर ना लग जाए। 1 2 3 4
सबकी फरियादे माँ, मेरी भी सुन ले की माता, मेरी भी सुन ले की माता, मेरी भी सुन ले की माता। झोली भरेगी सब घरेगी, झोली भरेगी सब घरेगी, बेटा खाऊ मैं मनाऊ मैं खाऊ मैं बिस्तर पे लेटी हुई और बहू बहुत मॉडर्न जमाने में बहुत अच्छे धार्मिक, तो क्या कह रही है, अरे माँ चल मेरे साथ अगले कड़ी में जागरण हो जा। तो सास क्या कह रहे, छोड़ में कमर में दौड़ दे रहा, मेरे को सोने दे। तो माँ कह रही तू चल ले एक बार साथ में, बहू कह रही है सास से कि चल ले, क्या पता माता रानी की कृपा हो जाए तो तेरी कमर की दर्द ठीक हो जाए। तो क्या कहती है, वहां क्या हो रहा है, तो बहू क्या कह रही है, चल चल जगराता में, चल चल जगराता में, उड़ जा माता की होरी से, उड़ जा माता की होरी से, चल चल जगराता में, उड़ जा माता की होरी से, Yeah.
ऐसे नहीं, थोड़ा आराम करके देखिए। ये माता जी कहाँ जा रही हो? देखिए मेरे साथ करिए, करिए करिए करिए, अरे थोड़ा सुनो बच्चे, करिए तो सही। और क्या कहा? अच्छा घर में पलक कैसे लगाते हो? देखिए तेरी कमरिया पे दिल मेरा अटका, 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 प्यारा लगे तेरा दीना 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 अटका। चलिए मैं साथ चलिए। बट पता नहीं क्यों गाए चला जा रहा हूँ, ये सब आपका आशीर्वाद। बोले सच्चे दरबार की आदरणीय अंकल जी रेडी है सब कुछ? बोले कि बारात करा लेते हैं। बहुत धन्यवाद। देखिए ये भजन अंकल जी के लिए गाए, क्योंकि अंकल जी आज वाकई में बांके बिहारी जैसे सजे हुए हैं और इतना चेहरा मुस्काने वाला, जिस दिन आया था उस दिन भी ऐसे लग रहा था, आज भी। तो ये मुस्कुराहट सदैव बना रहे, तभी जाकर के मुलाकात। और कहते हैं घर में जब मुखिया का चेहरा मुस्कुराने वाला हो ना, तो घर में कभी परेशानियां भी आती है ना, तो कहती कि निकल लेती हूँ, यहाँ तो हंसने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। बोले सच्चे दरबार की। तो ये मूल मंत्र समझ लीजिएगा कि जीवन में हमें हमेशा हंसे, क्योंकि दुख जब आएगा ना तो हंसी दे करके वो भी कन्नी काट के निकल देगा, वरना रोते हुए में तो आप जानते हैं कि रोग भी लग जाता है। बोले सच्चे दरबार की।